જય શ્રી કૃષ્ણ, સૌને મારા નમસ્કાર. આજે મધર્સ ડે છે અને આજે અમારા આશ્રમના સૌથી મહેનતુ વ્યક્તિ એવા સંજયભાઈ જોડે તમને આજે હું વાત કરીશ. सबसे पहले तो क्या है कि नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सोशल मीडिया आश्रम में. और हाँ, सोशल मीडिया आश्रम के अंदर हमारे पोपट भाई की वाइफ श्रीमती पायल बहन यहाँ मौजूद है. अब ये हमसे कुछ सवाल पूछेंगी. सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मदर्स डे है और मदर्स डे के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी मेरी माँ है, मेरी बहन है, बहन ही माँ के समान ही होती है वैसे देखा जाए तो सबको क्या है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं. अकेले होते हैं तो बहन ही क्या होती है ना, और ये धरती भी हमारी माँ है, तो भाई इसको भी एक बार प्रणाम कर लिया जाए. ठीक है, क्योंकि मम्मी के बाद में मेरी माँ एक्सपायर होने के बाद में मेरी दीदी ने मेरे कपड़े धोए, मेरी दीदी ने ही मेरे कपड़े धोए और वही मेरा कपड़ा धोना, इस्त्री करना सब कुछ उसी के हाथ से ही हुआ. आपको आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया कि पहले आप जी रहे थे और अभी जी रहे थे? पहले यह था कि अकेला था, अपने आप से बात करता था, खुद ही टारगेट बनाता था और खुद ही मैं उसको चेस करने के लिए जाता था. अब क्या है कि टारगेट मेरे को पोपट भाई बना के देते हैं, चेस मैं करता हूँ कि मेरे को वो टारगेट दिया है, मेरे को चेस ये है सोशल मीडिया आश्रम का पावर. तो आप सब भी यहाँ सपोर्ट करें, आ सकते हैं और यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं. और कुछ तरह भी आप फ्री हो और आपको सेवा करनी हो तो भी आप अपना टाइम देने भी आ सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी सेवा है.